और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज सैन जी एन। भाई साहब यार, लास्ट एपिसोड में यार तुम्हें इतनी पसंद क्यों नहीं आ रही यार मिथ सीरीज? चलो ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो मैं यार फिलहाल उसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक, कोई इशू नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आइडिया आया मेरे को तो ही हम लोग बनाएंगे, नहीं तो फिलहाल हम लोग भाई अपनी मेन सिटी वर्क करते हैं, जिसमें भाई बहुत सारी चीज़ें अभी अधूरी हैं करनी, वो सारी मेरे को फिक्स करनी है, वो सारी मैं करूँगा। लेकिन फिलहाल यार लास्ट एपिसोड में तुमने देख लिया था भाई, मैंने यहाँ पे बनाया था अपना एक बहुत बड़े वाला आयरन मतलब ऑयल इंडस्ट्री मतलब एक्सपेंड करी थी मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को भाई जाना है यहाँ पे 50 मिलियन। एंड फिलहाल भाई हम लोग प्लस 9000 में ही धीरे धीरे करके भाई यहाँ पे 10000, 25000 एंड 50-70000 तक भी गया हुआ है। उसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल भाई मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम लोग ट्रैफिक फ्लो देखो भाई, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है एंड इतना प्यारा ट्रैफिक फ्लो है भाई, यहाँ से गाड़ियाँ निकल करके कितने प्यार से यहाँ से वापस जा रही है। मतलब यार यहाँ पे ट्रैफिक का 1% भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे 1% भी ट्रैफिक नहीं लग रहा। ठीक है, तो यही चीज़ सोचते हुए मैंने क्या सोचा है कि यार हमारा देखो तुम लोग ये चीज़ ना फिक्स नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम अपना एक मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बनाया था जो कि भाई वर्क नहीं कर रहा था। तो फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ करने वाले हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, जिसके अंदर भाई सबसे पहले हमारे यहाँ पे होएगा, मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ भाई फटाफट से। सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे ना अपना रूट जो है ये सिलेक्ट करने वाले हैं, यही वाला, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, सपोज़ करो भाई यहाँ पे टोटल 100 U, सो हम लोग 100 U तक चलते हैं भाई आगे फटाफट से, ठीक है। एंड अरे यार ये स्ट्रेट नहीं जाता ना, स्ट्रेट जाता है यार शायद से, रुको, नहीं यार स्ट्रेट नहीं जाता। तो स्ट्रेट ले जाने के लिए भाई कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं यार स्ट्रेट नहीं आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल यहाँ पे भी 100 U आएंगे आगे के साइड पे। सो सपोज़ कर लो भाई हम लोग यहाँ पे आ गए 100 U एंड अब हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे कनेक्ट ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं बड़े प्यारे तरीके से। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं भाई फटाफट से, हम लोग भाई इधर वाले एरिया पे भी ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। स्ट्रेट यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट जाने वाले हैं 100 U या फिर 100, हाँ 100 U चलते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। इधर पे हम लोग अगेन जाने वाले हैं 100 U, सो 100 U, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ से जाना है हमें। सो यहाँ से हमें जाना है 100 U पे, सो ये एक हमारा हो जाएगा इधर एंड ये इधर, ठीक है। यार ये चीज़ है मेरे को समझ में नहीं आती, ये एक्चुअल में मतलब ये ऐसे होता क्यों है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों कनेक्ट होता है भाई, सीधा होकर कनेक्ट होना चाहिए ना इसको, बट चलो कोई नहीं, जैसे भी हो रहा है हमें भाई फिलहाल इसको कनेक्ट करना है सिंपल बढ़िया। सो ये सपोज़ करो भाई हमारा हो गया यहाँ पे, नहीं यार नहीं हो रहा है कनेक्ट तो ढंग से। सो अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, नहीं यार ये चीज़ बढ़िया वर्क नहीं करेगी हमारी वो वाली उस तरफ पे। सो इधर से मेरे को कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ हमारी नॉर्मल हो जाए। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे करता हूँ इसको, ठीक है, ग्रिड आ जाए, यार ग्रिड आती ना तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ ऐसे करके, यार ये स्ट्रेट बनने तो चाहिए यार, ये दिमाग ख़राब इतना, ओ भाई ये क्यों ख़राब हो गया, तू तो बंदा भाई स्ट्रेट, यार ये स्ट्रेट बनने तो चाहिए थे यार। सपोज़ करो मैं इस वाली लाइन को लेकर चलता हूँ स्ट्रेट एकदम, ठीक है, इस वाली लाइन को हम लोग स्ट्रेट लेकर के आ गए यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ तक, ग्रेड तो नहीं आती ना भाई, ग्रेड जब तक नहीं आती ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। सो ये स्नैप हमने कर दिया इसको, ठीक है, कहाँ था भाई स्नैप, ये था यहाँ पे, एंड ये स्नैप हम लोग भाई स्नैप को रखते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे, एंड इस पे हमें भाई बिल्ड करना है जो, अबे भाई क्या होगा, हाँ इस पे जो हमें बिल्ड करना है भाई यहाँ तक बिल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक मार्किंग लगा ली है सिंपल सी। सो इस मार्किंग पे हमें यहाँ पे बिल्ड करना है, सो हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ पे जो है हमारा रोड उठा लेते हैं वापस से ये वाला, एंड इसको यहाँ से हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इस मार्किंग तक आना है हमें स्ट्रेट। सो ये मार्किंग तक मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड इसको हमें यहाँ पे सिंपली कर देना है कनेक्ट, जो कि कनेक्ट नहीं होगा, मेरे को पता है भाई बहुत ज़्यादा कबाड़ है भाई इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको कनेक्ट करा देंगे या फिर इसी के साइज़ का हम लोग एक रोड ले लेंगे यहाँ से, जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेन पे जा रहा हो, तो हम लोग इसको यहाँ पे, नहीं यार ये बेकार है, इसके अंदर मिलेगा ना शायद से वो रोड जो कि हमारा 4 लेन होगा, हाँ ये वाला है शायद से। तो इसको हम लोग यहाँ पे, भाई ये सारे रोड छोटे हैं यार, ऐसा क्यों भाई, ये ना चीज़ ना बहुत ज़्यादा कबाड़ा लगती है भाई मेरे को, ये भाई इतना कर्व क्यों हो रहा है मेरे भाई, ये इतना कर्व क्यों हो रहा है, ये यहाँ से तो लग जाएगा, यहाँ से भी नहीं लग रहा, यहाँ से लग जाएगा, ठीक है, इतना कर्व चल रहा है भाई, पड़े रहने देते हैं इतने कर्व से, हमें कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्ड हो गया, इसको हम लोग बिल्ड ऐसे नहीं करने वाले, इस पर हम लोग बिल्ड कर लेंगे सिंपल हमारा वही कर्व वाला डिज़ाइन। सो यहाँ पे हम लोग भाई कर्व वाला डिज़ाइन कर सकते हैं आराम से, सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसको हम लोग कर देंगे ऐसे कर्व वाला डिज़ाइन, ठीक है। अभी हमने दो चीज़ बनाई है यहाँ पे, दो एरिया बनाए हैं एंड सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चीज़ें करनी है फटाफट से, जो कि हैं भाई ये स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर के जो हमारा रोड है वो ऐसे ही स्ट्रेट जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरे को ट्रैफिक फ्लो जो है ना भाई इतना ज़्यादा प्यारा रखना है कि हमारी गाड़ियाँ जो है कहीं पे भी रुके ना एंड भाई मस्त एकदम फ्री फ्लो करती हुई जाए, ठीक है ना।
ये हम लोग कर सकते हैं। एंड अभी अगर हमारी कार सुझाना है तो यहाँ सीधा अंदर जा सकती है, एंड इसको हमें यहाँ पे चेंज करना है ऐसे करके, ताकि भाई ये यहाँ से बाहर की तरफ पे भी निकल जाए बढ़िया। ये यहाँ पे हो गया, एंड इसको मैंने वो सिंपली चेंज कर देना है यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। अरे ये चेंज था, ठीक है, ये चीज़ होगी परफेक्ट। ठीक है, सारी चीज़ परफेक्ट बन चुकी है। एंड अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इन चीज़ों को, इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इनको भाई मैं आपस में कनेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे करके। ये जो हमारा एरिया है बहुत ज़्यादा प्यारा बन जाएगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इशू के। ये चीज़ यहाँ पे हो गया परफेक्ट। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना भाई, अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे हमारी थोड़े बहुत वेयर हाउसेस, क्योंकि भाई अभी हमें ना बहुत सही तरीके से काम करना है सारा। अब वेयर हाउस बनाने के लिए देखो, सिंपली मेरे को यहाँ पे रोड का भी सिस्टम करना पड़ेगा सेट, जो कि हम लोग कैसे करने वाले हैं ना भाई, हम लोग भाई यहाँ पे ये वाला रोड अगर लगाते हैं, देन फिर इस रोड को हम लोग सपोज़ करो यहाँ पे हमने लगा दिया यहाँ तक, ठीक है, ये हम अच्छा हाँ, इसमें मेरे को ये चीज़ चेक करनी थी बस कि हम लोग इस पर बिल्ड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। एंड बड़े वेयर हाउस भाई यहाँ पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ओके स्पेस काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो मेरे को ना थोड़ा और आगे की साइड पे इसको रखना पड़ेगा। सपोज़ करूँगा भाई ये रोड बना दिया, यहाँ से बना दिया गया, एक बार मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वापस लगा करके, एंड भाई एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इसको हमें भाई लेकर जाना है आगे की साइड पे यहाँ पे, एंड अगेन भाई फटाफट से सबसे पहले भाई यहाँ पे वेयर हाउसेज लगाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। पहला वेयर हाउस हमारा यहीं पे आ जाएगा, दूसरा वेयर हाउस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा वेयर हाउस हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड चौथा तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चौथे भाई गेम को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे जो है अपने वेयर हाउसेज बढ़िया तरीके से सेट करने हैं। एंड अब बचे हुए हैं भाई मैं यहाँ पे हमारा जो है ये वाला लगाने वाला हूँ, एंड ये आ जाएंगे हमारे टोटल तीन। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एंड एक इधर आ जाएगा, तो ये टोटल तीन आ गया है। एंड हमारा जो रोड है भाई वो एकदम परफेक्ट हो गया है, ठीक है। एंड अब इसी के पीछे बिल्कुल मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ अपने दूसरे वेयर हाउसेज, जो कि एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एंड एक यहाँ पे आ जाएगा, एंड बाकी जितने भी छोटे वाले हैं वो यहाँ पे अगेन ऐसे ऐसे एंड ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। एंड अभी जो ये रोड है, मेरे को इसके साइड से निकालना है एक और रोड सिंपली, जो कि भाई बिल्कुल इसके साथ साथ आ जाएगा, एंड साथ साथ आ करके भाई ये यहाँ पे ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगे भाई, वो तो ऑब्वियस ही बात है। मैं भी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली इस पे जो है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, एंड इस रोड को यहाँ से ओके यहाँ पे बिल्ड हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि तो थोड़ा सा इसको आगे निकालना पड़ेगा। सपोज़ पर मैंने 3U आगे निकाल दिया इसको, एंड 3U ही हम इसको भी आगे निकाल देंगे, एंड अभी हम लोग इनको जो है आपस में कनेक्ट करा सकते हैं बढ़िया तरीके से कुछ ऐसे करके, या फिर ये बेकार लग रहा नहीं भाई, इसको हम लोग स्ट्रेट ही रखते हैं। हम लोग स्ट्रेट रखेंगे कुछ ऐसे करके, एंड भाई ये चीज़ परफेक्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी जो है हमारा जो है इस साइड पे भी बन जाएगा सेम ये वाला, मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही बना देता हूँ, एंड देयर वी गो भाई। जो स्पेस हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करा है ना आपकी बार, वो अभी तक का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई हमने बिल्कुल भी चीज़ें जो है यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह वेस्ट नहीं करी हैं, एंड बहुत सही तरीके से हमारा जो है यहाँ पे सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। एंड अभी मैं यहाँ पे एक रोड और बनाता हूँ, जो कि अगेन आएगा हमारा यहाँ तक, एंड इसको यहाँ तक बनाएंगे हम लोग, एंड इस साइड पे हमारे बन जाएंगे छोटे वाले वेयर हाउसेज, जो कि यहाँ पे आ जाएंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है। बड़े वाले को मैं दोबारा से यहाँ पे बना दूँगा ऐसे, एंड दो ऐसे, एंड दो ऐसे, एंड अभी हम लोग भाई यहाँ पे हमारे जो हैं छोटे छोटे वाले वेयर हाउसेज बनाते हैं फटाफट से। एंड भाई तुम लोग ये मत सोचना भाई मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेसिंग ख़राब कर रहा हूँ, मतलब स्पेस वगैरह ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं, वो चीज़ तुम लोग भाई देखोगे वीडियो के एंड में, भाई बहुत सही यूज़ होने वाला है उस चीज़ का भी। ये मैंने बिल्ड कर दिया, एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे भाई अपना ट्रेन का इतना बढ़िया वाला सीन बनाने वाला हूँ, तुम लोग देखना एक बार यहाँ पे ट्रेन का जो चीज़ सेटअप हो जाएगी ना, उसके बाद जितनी भी हमारे यहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह ना, ये सारे के सारे भाई खाली, मतलब सारे के सारे खाली होते रहेंगे। यानी देखो चेक दिस आउट, है ना प्यारा एकदम भाई, बहुत सही बनाया एकदम ये, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी सही हो चुकी है। एंड भाई एक सेकेंड, रोड की दिक्कत है यहाँ पे, ये रोड की दिक्कत क्या है? ओके 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 ओके, इनको यहाँ पे चेंज करना है। सो रोड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड ये रोड यहाँ से निकल जाएगा बाहर की तरफ ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अभी क्या होएगा ना, हमारी जितनी भी कार्स वगैरह होंगी वो यहाँ से आएंगी, यहाँ पे सामान छोड़ करके यहाँ से सीधा बाहर निकल सकती है, या फिर इनके बीच में भी आना होगा उन्हें। वो लोग को भाई यहीं से घूम के जाना है, भाई सीधा सामान छोड़ो और भाई सीधा बाहर निकलो, मतलब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे वापस मुड़ने का, सीधा सामान छोड़ के सीधा वापस बाहर निकलना पड़ेगा उनको। एंड देखते हैं अगर भाई ये चीज़ वर्क नहीं, एक बार यहाँ पे ट्राई करके देख लेता, ठीक है, फटाफट से मैं इनको यहाँ पे स्टोर करने के लिए भाई फटाफट से रिसोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि है कमर्शियल गुड्स, एंड इस पर भी हम लोग भाई फटाफट से कमर्शियल गुड्स कर देते हैं, एंड इस पर हम लोग यहाँ पे कमर्शियल गुड्स कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कमर्शियल गुड्स कर दो भाई फटाफट से, एंड इसको भी मैं यहाँ पे कमर्शियल गुड्स कर देता हूँ भाई फटाफट से कमर्शियल गुड्स, एंड ये भी यहाँ पे कमर्शियल गुड्स हो जाएगा,
एंड अब मैं अभी भाई फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ कर देता हूँ इनका, जो कि यहाँ अबे भाई 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 जो कि यहीं से हो जाएगी हमारी परफेक्ट, ठीक है। एंड पानी का भी इनको थोड़ा बहुत मैं सेट कर देता हूँ सिस्टम, सो पानी यहाँ से हम लोग इधर प्रोवाइड कर देंगे इधर से इधर, एंड इधर से सिंपली कनेक्ट हो जाएगा सामने की तरफ पे। ये चीज़ भाई यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ भाई हमारी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। एंड लास्ट वाले वगैरह से बच के इनको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। एंड भाई पानी की भी यहाँ पे दिक्कत जो है खत्म हो चुकी है। फटाफट से मैंने अभी गेम को प्ले कर दिया, जब तक यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आएंगी तब तक मैं इन चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस मतलब जितने भी चीज़ें हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से हमारी कमर्शियल गुड्स पे। एंड ये वाली पूरी की पूरी लाइन भाई हमारी कमर्शियल गुड्स पे होने वाली दो, एंड बाकी दो को भाई मैं ऑयल पे स्टोर कर दूँगा, कि भाई हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एंड अभी हम लोग भाई फटाफट से एक बार ऑयल वाली को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि भाई अगर ऑयल वाले का भी आना होगा तो हमारे यहाँ पे सामान जो है वो आ जाएगा, क्योंकि भाई ऑयल हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एंड उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए, एंड भाई स्टोर होने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ना भाई ट्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, मतलब एक्सपोर्ट हो जाएंगी, सिंपली ट्रेन के थ्रू हो जाएंगी, या फिर यहाँ पे साइड में जस्ट एयरपोर्ट भी है तो भाई एयरपोर्ट में भी जाना होगा, तो भाई वहाँ से एयरपोर्ट के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग बाहर आराम से। सो उन सब चीज़ों की हमें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए भाई इनको मैं जल्दी से सेट करता हूँ। अभी से क्या होगा ना भाई, जितना भी हमारा यहाँ पे नॉट इनफ गुड्स वाला इशू है ना, वो सारा का सारा इशू जो है हमारे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, उसकी हमें फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं फटाफट से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ऑयल पे, इसको भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ भाई ऑयल पे, एंड इसको भी भाई यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं ऑयल पे। क्या हमारी कोई भी कार आई है अभी तक यहाँ पे? ओके, ट्रांसपोर्ट के लिए भाई फिलहाल कोई कार नहीं आई हमारी, एंड स्टोरेज के लिए मतलब। एंड देखते हैं भाई थोड़ी देर और वेट करके, आनी तो चाहिए वैसे, आएंगी यार उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आएंगी डेफिनेटली आएंगी, कि भाई काफ़ी सारा सामान जो है वो यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है भाई, वेयर हाउसेज उन्हें चाहिए स्टोर होने के लिए, ठीक है। देखो पहली कार यहाँ पे आ चुकी है, एंड कार्स वगैरह जो है आनी स्टार्ट हो चुकी है भाई, देख रहे हो तुम लोग भरना स्टार्ट हो गया। एंड अब देखो यहाँ पे जो मैंने रोड का वे मतलब तरीके से बनाया ना जो रोड, वो देना कितने प्यारे तरीके से वर्क कर रहा है। कार्स वगैरह यहाँ पे सामान छोड़ रही हैं, एंड सामान छोड़ करके भाई वो वापस यहाँ पे बाहर निकल जाएंगी सीधा, मतलब कहीं पे ट्रैफिक की दिक्कत नहीं, कहीं पे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, एंड सारी चीज़ें जो भाई बढ़िया तरीके से वर्क करेंगी यहाँ पे। अभी मैं एक यहाँ पे देने वाला हूँ भाई हमारी फॉरेस्ट्री को, ठीक है। फॉरेस्ट्री को भी हम लोग यहाँ पे एक प्रोवाइड कर देंगे, वैसे फॉरेस्ट्री के लिए भाई ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं इतनी, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक एरिया जो है हमारा फॉरेस्ट्री को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी में हम लोग सिंपली सारा जो है कमर्शियल गुड्स कर देंगे। एंड भाई अब तुम लोग ट्रैफिक चेकआउट करो भाई, कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है भाई हमारा। एंड 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 एक सेकेंड रुको, मैं इस रोड को क्या मैं इस रोड को जो हमारा ये वाला रोड है ये वाला रोड क्या मैं इस रोड को इससे कनेक्ट करा सकता हूँ क्या यहाँ पे सीधा? ये हम लोग सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल गया कार्स को, जो कि है वो यहाँ से भी जा सकती हैं। इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एंड एक बार एक चीज़ चेकआउट करो भाई, तुम लोग यहाँ पे कमर्शियल गुड्स की दिक्कत भाई ख़त्म भी हो गई भाई, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई, एंड इनकी भी ख़त्म हो जाएगी अभी दो चार मिनट में। इनकी तो भाई ख़त्म हो गई, वीडियो स्टार्टिंग में तुमने देखा था कितनी ज़्यादा दिक्कत थी, वो सारी दिक्कत यहाँ पे ख़त्म भी हो चुकी है, क्योंकि भाई सारा जो है सामान यहाँ पे स्टोर हो रहा है आराम से आके। तुम लोग चेकआउट करो भाई, 12% फिल भी हो गया, 13% फुल हो गया, 10% फुल हो गया, 10% 17% 16%, मतलब यार बहुत सारा एरिया जो है हमारा वो फुल भी हो चुका है यहाँ पे। सो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, एंड 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 इसको यहाँ पे ऐसे। एंड भाई जो इस एरिया जो पूरा एरिया है ना हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे भाई नेम करने वाले हैं हमारा एक्सपोर्ट एरिया, मतलब यहाँ पे सारा का सारा सामान स्टोर होएगा, एंड स्टोर होकर सारा का सारा सामान जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत सही हो गई। एंड फटाफट से मेरे को यहाँ पे ना भाई वो भी बनाना है हमारा जो है ट्रेन का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा मेरे को फटाफट से। सो ट्रेन का भाई मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ कि जो हमारी ट्रेन होंगी भाई वो बिल्कुल बिना दिक्कत के यहाँ पे आएंगी, एंड बिना दिक्कत के यहाँ पे निकल जाएंगी, जितनी भी कार्स वगैरह भी होंगी ना हमारी वो यहाँ पे सिंपली बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे हमारी ट्रेन तक भी जा सकती हैं। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है जो कि है हमारा ये वाला। सो इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं इसको चेंज करूँगा, एंड इसको भाई मैं यहाँ पे बाहर निकाल दूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ऐसे 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 एंड ऐसे। सो मैंने ये बाहर निकाल दिया, एंड ये भाई एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। एंड तुम लोग सोचो कि भाई मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, एंड इसका करने का भाई सिंपली रीज़न ये है, मैं तो बताता हूँ फटाफट से। तो यार यहाँ पे मैं एक चीज़ करने वाला हूँ फटाफट से ना, मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोड के साथ इस वाले रोड को रिप्लेस करने वाला हूँ पूरे को, क्योंकि इसके अंदर भाई हमारी जो है ट्रक्स वगैरह आएंगी काफ़ी सारे, एंड भाई इसको हम लोग कैसे भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो कार्स को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ दो तीन एक्सपोर्ट स्टेशन। सो मैं फटाफट से ट्रांसपोर्ट पर चलता हूँ, एंड हमारा जो है ट्रेन में हम लोग आएंगे, एंड ट्रेन में आने के बाद हमारा कार्गो हब जो है वो यहाँ पे है। तो एक कार्गो हब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, एक हम लोग इसके डिस्टेंस पे बनाएंगे थोड़ा सा, एक इसके डिस्टेंस पे बनाएंगे थोड़ा सा, एक इसके डिस्टेंस पे, एंड एक सबसे एंड पे बना देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी जो है डिस्टेंस इनके बीच में छोड़ दिया है, एंड देर वी गो, डिस्टेंस जो है काफ़ी हो चुका है। एंड अभी हम लोग इनको आपस में भी कनेक्ट कर देते हैं फटाफट से, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। एंड इस वाले रोड को भाई मैं सिंपली यहाँ पे लेके जाऊँगा सीधा का सीधा अंडरग्राउंड,
एंड अंडरग्राउंड ले जा करके भाई इसको मेरे को सीधा सिंपल कनेक्ट कर देना है, जो कि है हमारा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारे बाकी ट्रेन के ट्रैक के साथ। एंड एक सेकंड रुको, मैं गलत आ गया क्या? ओ भाई हमने पार ही कर दिया भाई उसको, हमारा ट्रेन वाला एरिया जो उसको हमने पार ही कर दिया यहाँ पे। सो मैं इसको सिंपली अप कर दूंगा यहाँ पे, एंड अप करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा हमारा जो है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इनसाइड का हो गया, एंड अब मैं इसको भाई यहाँ पे आउटसाइड का भी चेंज कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे इसको भी हम लोग अंडरग्राउंड ले जाते हैं, एंड इसको मैं सिंपली यहाँ पे चेंज करा देता हूँ, थोड़ा टर्न करवा देता हूँ भाई यहाँ पे, एंड ऐसे करके। एंड अभी जो है हम लोग इसको स्ट्रेट ले जा सकते हैं बड़े आराम से। सो इसको मैं स्ट्रेट लेकर के आ जाऊँगा भाई। हमारा ट्रेन का ट्रैक किधर है भाई? ट्रेन हमारी यहाँ तक आ रही है ना। सो इस ट्रेन को भाई मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, एंड यहाँ पे इसको ऊपर निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं, ऊपर नहीं निकल सकता भाई ये। सो मैं इसको इसके साथ में ले आता हूँ ना भाई, इसके साथ में ले आते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड इसको हम लोग ऊपर निकाल करके यहाँ पे कनेक्ट करा देंगे ऐसे। सो अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ भाई क्या हमारी ट्रेन यहाँ पे जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी। वो चीज़ भाई हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि ट्रेन यहाँ पे जाएंगी या फिर नहीं। बाकी फ़िलहाल के लिए भाई ये चीज़ परफेक्ट वर्क करनी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, एंड इलेक्ट्रिसिटी भाई ने सिंपली मैं यहाँ से प्रोवाइड करा देता हूँ, बढ़िया, ठीक है। एंड अभी जो कार्स वगैरह हैं हमारी, वो अगर चाहें तो भाई जो हमारा रोड है ये वाला, इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ, एंड हम लोग इसको भाई यहाँ से जो है सामने की तरफ पे भी निकाल सकते हैं या फिर नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ भी निकल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि हमारी जो ट्रेन के लिए जाना होगा वो यहाँ से भी जा सकती हैं आराम से। एंड ट्रेन तो भाई जब ही आएंगी जब हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होएगा, बट फिलहाल मेरे को लगता नहीं ट्रांसपोर्टेशन हमारी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे वेयर हाउसेस पहले फुल होंगे, एंड जैसे वेयर हाउसेस वगैरह फुल होंगे उसके बाद हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगी बाहर वेयर हाउसेस से, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी इनके बीच में नहीं है, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पहुँच चुकी है, बढ़िया। एंड ट्रेन वगैरह भाई ऑब्वियसली बात है अभी नहीं आएंगी, ट्रेन वगैरह बाद में आएंगी, क्योंकि भाई ट्रेन वगैरह यहीं से उठा करके ले जा रही है काफ़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ सही हो रही है। बाकी हमारी इनकी दिक्कत जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी फिलहाल मैंने इनके वेयर हाउस भी यहाँ पे बना रखे हैं जो कि 100% फुल भी हो गए हैं भाई। तो चलो एक काम करता हूँ, फ्रॉड से यहाँ पे थोड़े बहुत वेयर हाउस और लग सकते हैं हमारे, तो थोड़े बहुत वेयर हाउसेज और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इनके वाले। सो ये वाले हमारे वेयर हाउसेज हैं थोड़े से, तो मैं इनको यहाँ पे फटाफट से पूरा फुल कर देता हूँ, ताकि जो है हमारा यहाँ पे काम वाम बिना दिक्कत के चलता रहे, बिना रुके, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट हमारा भाई एकदम परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे प्लेन्स के थ्रू। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी है यहाँ पे, हमारा जो है प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड हमारी जो चीज़ें हैं ये भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं, हमारी जो एरिया है पूरा वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यार ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है, भाई ट्रैफिक काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, तुम लोग अपने सजेशन बता देना जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके। बाकी मैंने अपनी तरफ से तो भाई बिल्कुल परफेक्ट किया है। एंड ये ट्रेन भाई, ये दो तुम लोग दो गाड़ियाँ देख रहे हो ना, शायद से दो गाड़ियाँ यहाँ पे जाने वाली हैं हमारे, शायद से नहीं यार, यहाँ पे वापस मुड़ गई हैं, मेरे को लगा था जाएंगी, बट चलो कोई नहीं। तो ठीक है यार, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आज की इस वाली वीडियो के लिए इतने रखते हैं। आप लोग को आज की वाली वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, शेयर करना फ्रेंड्स साथ, मिलो हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।